नागपुर के अजनी निवासी प्रदीप बागड़े की हत्या के मामले में सामने न्यायालय ने आरोपियों को 28 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इनमें प्रदीप बागड़े की पत्नी सीमा बागड़े और पवन चौधरी शामिल हैं। नाबालिग आरोपी को नागपुर के बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। प्रदीप बागड़े का शतविशत शव मंगलवार 21 सितंबर को मिला था। खापा पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल कार क्रमांक MH497207 जब्त कर ली है। पवनी चौधरी और उसके नाबालिग साथी ने प्रदीप को थड़ी पवनी ले जाकर उसकी धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। इसके बाद शव को खापा के सिंधवाणी महाकुंड परिसर के जंगल में फेंक दिया। हवलदार प्रमोद बंसोड़ मामले की जांच कर रहे हैं।